ओए दोस्तों, कैसे हो? मैं और ओगी एक बार फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की एक और नई वीडियो लेकर। ओए दोस्तों, पिछली बार का तो आपको याद ही होगा कि हम लोग का पंगा सन ऑफ द गॉड से हुआ था। ओए जो भी कहो, गॉड ऑफ द सन या तो सन ऑफ द गॉड, एक ही बात तो है ना मुन्ना? हाँ भैया, एक ही बात है। लेकिन भैया यार, उस मोटे को मारना बहुत ही मुश्किल का काम था। खासकर भैया अंत में तो मारा ही नहीं जा रहा था। ओए वही तो, हर मुन्ना उसके चमचों ने तो गाँव में हमला ही कर दिया था। भैया यार, उसके सिपाहियों को तो हम लोगों ने किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन भैया वो अंत में मरी नहीं रहता। उसके बाद हम लोगों ने गाइस एक ही चीज की, हम लोगों ने गाइस उसको डायरेक्ट बेडरॉक के नीचे पहुंचा दिया क्रिएटिव मोड यूज करके। ओए तभी जाके मारा, नहीं तो मरी नहीं रहता। क्या करे दोस्तों? भैया यार एक मिनट, आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? ओए मुझे कोई नहीं आवाज सुनाई दे रही, तुझे कौन सा सुनाई दे रही है? ओए हे यार भैया, मैंने सुनी। ओए फिर से कोई आफत आ गई क्या? पता नहीं। हे भैया यार, हमें देखना चाहिए। ओए ये क्या? ओए मुन्ना, ये लोग फिर से आ गए। हे भैया, लगता है हम लोगों ने इनके सरदार को मार दिया। तो लगता है भैया गुस्से में आ गई पूरी गैंग की। ओए रुक जा, भी इनका गुस्सा ठंडा करता हो। ओए नमूनो, कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ, ये लो। ये क्या, तो बहुत सारे हैं। हाँ भैया, लगता है इस बार पूरी गैंग ही आ चुकी है। ओए लेकिन तू टेंशन मत ले, ये मेरी तलवार की धार से बच नहीं पाएंगे। ओए ओए निकल लो नमूनो। ओए हे भैया यार, ये तो पता नहीं कोई पॉइजन इफेक्ट भी दे जाते हैं। ओए मुन्ना, ये इनकी एरो में पॉइजन रहता है। ओए थोड़ा सा इनसे बचकर भी रहना पड़ेगा। हाँ भैया देखिए, बहुत सारे इस बार तो। ओए पता नहीं, इनके सरदार को निपटा दिया तो हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग गांव छोड़कर जाते क्यों नहीं। हे भैया, ये लोग अपने सरदार का बिना बदला लिए नहीं जाएंगे। और तो मैं भी इनसे बदला चुका कर ही जाऊंगा। ओए मेरे भी तो गांव वाले मारे गए हैं इनकी वजह से, नहीं छोड़ूंगा। क्यों मुन्ना, आगे से तो यही लोग हमला करते हैं ना? हे भैया बिल्कुल सही कहो, नहीं छोड़ना भैया किसी को, एक एक को चुन चुन के मारना है। और रुक जाओ, उसके टेंशन मत ले। और ये गोते गोते क्या कर रहे हैं? पता नहीं भैया इनकी कोई लैंग्वेज होगी। मुझे लगता है ये जब किसी पर हमला करते हैं तब गोते गोते बोलते हैं। ओए फिलहाल भैया हमारे ऊपर हमला हो रहा है, थोड़ा सा बच कर रहिए। ओए उसकी टेंशन मत ले, ये ले मैं भी गोते गोते कर कर मारूंगा। ओए गोते, हे यार भैया गोते छोड़िए, पहले भैया अपनी हेल्थ रिकवर करते हैं। अपनी जरा हेल्थ देखिए भैया। ओए देखिए मुन्ना, रुक जा। ओए इनको आज छोड़ूंगा नहीं, देख कैसे गांव में फैले हुए हैं। हे यार भैया, इन्होंने तो काफी सारे विलेजर्स को नुकसान पहुंचा दिया होगा। ओए टेंशन मत ले मुन्ना, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। ओए आज इनकी पूरी बस्ती ही मिटा दूंगा। ओए ये ले, बहुत उदक रहा है ना। हे भैया उधर साइड देखिए, वो देखिए कितने सारे हैं। ओए मुन्ना, मैंने भी देखा इन लोगों, टेंशन मत ले। ओए हे यार भैया, टेंशन तो हम लोग को नहीं, भैया बेचारे गांव वाले ले रहे होंगे, क्योंकि भैया इन्होंने गांव पर देखिए किस तरह कब्जा जमा कर रखा है। ओए मुन्ना, मेरे रहते वो भी मेरे गांव में कोई कब्जा नहीं कर सकता। ओए रुक जा, भी बताता हूं। ओए मुन्ना, इधर को तो लगता है सारे मर गए। हे भैया लेकिन गांव के दूसरी साइड है, ये देखिए भैया कहाँ मरे हैं। और ये क्या, अभी जिंदा है? और नहीं छोड़ूंगा। और ये क्या, तलवार मार भी नहीं आ रहे, इतने सारे फुर्तीले हैं। हे भैया इनकी जरा स्पीड तो देखिए। और स्पीड तो सही है मुन्ना, लगता है हम लोग का फिर से पॉइजन इफेक्ट मिल गया। हे भैया इनकी एरो से बच कर रही है यार। और क्या बच कर रहा हूँ, मार देता तो मैं क्या करूँ। ओए कहाँ भाग रहा है, चल निकल ले। ओए मुन्ना, वैसे जितने फुर्तीले होते हैं उतने मुन्ना इनका दम नहीं रहता। ओए एक तलवार में ही निपट जाते हैं, चल तू भी निकल ले। ओए कहाँ भाग रहा है, ओए जरा एक बार हाथ में तो आ जा। ये ले, ओए मरा कि नहीं? अभी नहीं मरा, रुक जा। ये मर गया, ओए तू भी मर, चल निकल ले। हे भैया गांव की साइड देखिए कितने सारे हैं। ओए मुन्ना वही चल रहे हैं। ओए ये ले गोते, हे मैं भी मारूंगा। ये ले गोते, कहाँ भाग रहा है? ये ले गोते। ओए बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ भैया शुक्रिया, आज भैया इनको इन्हीं की लैंग्वेज में मारेंगे। रुक जा, ये ले गोते और तू भी ले गोते। और ये क्या, ये ले मेरी तरफ भी गोते। और ये क्या, गोते हमारे ऊपर मुन्ना भारी पड़ गए, भाग लीजिए भैया, नहीं तो भैया ये लोग हम लोग का गोते कर देंगे। ओए कहाँ भागे, इतने सारे हैं। ओए मुन्ना इनके पास पता नहीं कौन सी एरो रखी हुई है, इतनी पॉइजनस है कि हम लोग को पता नहीं इतना ज्यादा डैमेज दे देती है। ओए हे भैया, उससे पहले इनको निपटा दीजिए। ओए क्या निपटाएंगे, अभी खुद ही हम लोग को भागना पड़ेगा। हाँ भैया, क्योंकि हम बचे रहेंगे तो भैया गांव भी बचा रहेगा। चलिए पहले भैया हेल्थ रिकवर करते हैं, फिर भैया इन गोतों को देखते हैं। ओए रुक जा, आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ओए खाना खाते हैं और मुन्ना इधर थोड़ी देर के लिए छिपे रहते हैं। ओए बहुत सारे ही है तो भैया, चाहे कितने भी हो, गांव तो भैया हम लोग को बचाना ही है ना। ओए वो तो है, चल मुन्ना मैं तैयार हूँ। ओए हाँ भैया मैं भी तैयार हूँ, चलिए फिर भैया डर्ट लगाइए और ऊपर चढ़ते हैं और भैया इनकी बैंड बजाते हैं। ओए ठीक कहा मुन्ना, चल फिर इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं। ओए और भैया इनको फोड़ना ही है। ये ले और ये ले, तू भी ले। अब मेरा 2.5 किलो का हाथ चलेगा, तुम लोग का गोते नहीं चलेगा। और ये पड़ा 2.5 किलो का हाथ, और ये ले अब पड़ेगा तेरे ऊपर। होगी कहो, बहुत बढ़िया होगी। चल बन्ना इधर के तो लगता है सारे साफ हो गए। ओए हाँ भैया यार, इधर के तो निपट गए। अब भैया लगता है एक दो और बचे हुए हैं। ओए मुन्ना अब तो कोई दिख नहीं रहा वैसे।
हाँ भैया लगता है सारे मर गए। फाइनली मुन्ना हम लोग की जीत हुई। हाँ भैया जीत तो गए। विलेजर्स यार तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत क्या पूछ रहे हो, इतनी दिक्कत हुई है कि अब हम लोग गांव छोड़कर जाने वाले हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इस बार हम लोग गांव छोड़ देंगे, बिकॉज नाउ दिस टाइम हाथाबाजी सटक ले। मैं भी गांव छोड़ दूंगा, मुझे भी नहीं रुकना इस गांव में। वाह क्या बात है, गांव वालों ने तो अनशन कर डाला और औगी जैक के लाइफ में हो चुका है झिंगा लाला। ओए थोड़ी देर के लिए तू अपना मुंह बंद रख। ओए दोस्तों हम लोग सब सही कर देंगे, हमारा विश्वास करो। क्या विश्वास करे, तू विश्वास ही से दिला रहा है एक महीने से और कुछ नहीं कर पाया। इस बार सचमुच वाला आताबाजी सटक ले। ए यार भैया ये विलेजर्स तो नहीं मानेंगे। लगता है भैया ये लोग गांव छोड़कर चले ही जाएंगे। ओए मुन्ना अब हम लोग क्या करे? ए भैया हम लोग क्या कर सकते है, हमने तो भैया अपनी तरफ से पूरी फाइट की। ओए मुन्ना लेकिन ये विलेजर्स अगर गांव छोड़कर चले गए तो मुन्ना इस गांव को चलाएगा कौन? ओए हाँ भैया वो बात तो है, लेकिन भैया हम कर भी क्या सकते हैं। ओए मुन्ना हमें कुछ करना पड़ेगा। हे भैया क्या करेंगे यार? भैया हम लोग बस फाइट ही कर सकते हैं और क्या करेंगे भैया। और भैया ये लोग इस तरह से आते जाएंगे। ओए मैं ये नहीं चाहता कि हमारे विलेजर्स हमारे गांव को छोड़कर जाए। ओए हे भैया अब तो ये होना ही है। हे भैया यार ये कितनी ऑक्सलॉट कितनी बेकार है ना। ओए भला ये क्यों बेकार हो गई? भैया यार मैंने कल ही मछलियां डाली थी और भैया इसने फिर से उनको मार डाला। ओए मुन्ना तुझे इसकी पड़ी हुई है, मुझे मुन्ना गांव वालों की पड़ी हुई है। अगर वो गांव छोड़कर चले जाएंगे तो भैया पूरा गांव आपका सुना सा हो जाएगा। ओए वही बात तो है, तो भैया हम कर भी क्या सकते हैं। ओए चल मुन्ना जाके तू आराम कर, मुझे कुछ काम है। लेकिन भैया आप कहाँ जाएंगे? ओए मैं कहीं भी जाऊंगा, तू आराम कर। क्या बात है, शाम से हो गई रात और रात से हो गई सुबह, आखिर ये फौजी बिल्ला कर क्या रहा है? 2000 years later. अरे ये क्या, ये इतनी सुबह टैंक लेकर कौन आ रहा है? और ये टैंक तो ओगी के घर की तरफ बढ़ रहा है। अरे लगता है कुछ गड़बड़ है। ए ओगी उठ जा जल्दी से, लगता है तेरे घर में हमला होने वाला है। ओए ओगी जल्दी घर से बाहर आ जा, देख कितनी कमाल की चीज लेकर आया हूँ। ओह तो फौजी बिल्ला इज हियर, अच्छा है। हे यार भैया क्यों गले फाड़ रहे हैं आप इतनी सुबह सुबह? वैसे भैया आप गए कहाँ थे? ओए तू जल्दी बाहर आ। हे भैया यार ये क्या है, जल्दी आता हूँ भैया। पता नहीं भैया ये कौन सी बला लेकर आ गए। ओए मुन्ना बला नहीं है ये बहुत मस्त चीज है। ओए भैया यार ये तो टैंक है। ओए मुन्ना ये टैंक बहुत ही कमाल का है और आज ये धोती फाड़ के रुमाल भी करने वाला है। ओए क्या बात है भैया, इसको आपने बनाया? ओए कोई शक है क्या? ओए मुन्ना इसके जैसे चार मैंने और भी बना कर रखे हुए हैं। ओए क्योंकि मुन्ना इस बार वो नागा गैंग के मेंबर बचने नहीं वाले। ओए मेरे विलेजर्स को भगाएंगे। भैया यार लगता है आपने विलेजर्स की बात को ज्यादा ही सीरियस ले लिया। ओए मुन्ना मैं ये नहीं चाहता कि मेरे विलेजर्स गांव छोड़कर किसी दूसरे के गांव में जाए। ओए आज मैं उन नागा गैंग के मेंबर को छोड़ूंगा नहीं। ओए उनकी पूरी बस्ती उड़ा दूंगा इस टैंक से। भैया यार क्या बात है, भैया ये टैंक चलता भी है क्या? आए मुन्ना वो चलने के लिए ही बना है। ओए और धमाका करने के लिए भी। ओए ए यार भैया क्या बात है, इसके अंदर तो एम भी कर सकते हैं। ओए मुन्ना चल तुझे इस टैंक की खासियत दिखाता हूँ पहले। ओए वैसे भैया इस टैंक का नाम क्या है? ओए मुन्ना ये टैंक है आर्मी का M1A2 क्लासिक एडिशन 52 सेक्टर 15 है। भैया बस बस हो गया। ओए हाँ मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, भैया आपने तो पूरा एड्रेस ही बता डाला। ओए उसको छोड़, अब इस टैंक का धमाका देख। ओए ये देख मुन्ना इससे हम लोग फायर कर सकते हैं और धमाके के लिए मुन्ना और भी कमाल का है। ओए ये पहले मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत पंगे लेते रहता है ना। ओए तू ही है ना मुन्ना, वैसे अकेला क्यों घूम रहा है? लगता है भैया पिछली बार की फाइट से एक बच गया था। ओए लेकिन अब नहीं बच पाएगा, देख मैं इससे अपने धमाके से इसको कैसे उड़ा डालता हूँ। ओए ए यार भैया इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपका निशाना ही कच्चा है। ओए क्या बोला, निशाना कच्चा है? ओए मुन्ना आर्मी में बहुत भयानक ट्रेनिंग की है, ये देख अब निशाना पक्का हो गया। ओए हाँ भैया आपने तो इसको एक झटके में उड़ा डाला। ओए अब देख अब मैं उनकी गैंग्स को कैसे उड़ा डालूंगा। ओए चल मैं तुझे इसकी और भी पावर दिखाता हूँ, ये पहाड़ देख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा है, अब देख इसका क्या करता हूँ मैं, ये किया धमाका। क्या बात है भैया, आपने तो पूरा पहाड़ ही उड़ा डाला। ओए अभी तो मुन्ना ये शुरुआत है। ओए बस आगे आगे देखता जा इस टैंक का कमाल। ए यार भैया ये तो आपने कमाल का बना डाला। और देख अब मैं मुन्ना उन नागास की लाइफ में करूंगा झिंगा लाला। ओए ओए कहाँ जा रही है सीप? है भैया आपका निशाना फिर से कच्चा हो गया। ओए ये ले उड़ा डालूंगा, ये देख निशाने की तू बात करता है। ओए मुन्ना अब तू देखता जा, अब इस गांव में कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा इस टैंक के रहते। ओए हाँ भैया अब नहीं छोड़ेंगे उन नागा गैंग के मेंबरों को। क्या बात है, आज लगता है दोस्तों हम लोग को कुछ ज्यादा ही भयानक फाइट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जहाँ है एक तरफ नागा गैंग की पूरी बस्ती है तो दूसरी तरफ फौजी बिल्ला टैंक लेकर आ रहा है। बचकर रहना नागा गैंग वालों, अच्छा है।
ओए बच के रहना, तोड़ दूंगा और साथ में भैया इनको नींबू जैसे निचोड़ भी देंगे। ओए सही नहीं रहा, मेरा ही बढ़िया है, तोड़ दूंगा। ए भैया यार, मेरा भी कभी कभी मान लिया करिए। ओए उनको छोड़, और ये देख आज इनकी पूरी बस्ती को उड़ा डालेंगे। ओए ये लो, अब मेरा टैंक का धमाका देख मुन्ना। क्या बात है, माइनक्राफ्ट में शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3, जहाँ पर एक तरफ नागा गैंग अपने सरदार का बदला लेने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ फौजी बिल्ला और ऑगी अपने गाँव वालों को बचाने के लिए तैयार है। अच्छा है। ओए आज कोई भी नहीं बचोगे, सबको मैं चुन चुन के मारूंगा, मेरे गांव वालों पर हमला करोगे। ओए तू कहां भाग रहा है, ये ले। हे भैया यार, ये लोग हमारे टैंक पर हमला कर रहे हैं, मुन्ना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख फोड़ डाला। लेकिन भैया आपने अपने टैंक का ही नुकसान कर डाला, और उसकी टेंशन नहीं है, मेरे पास 4 और भी टैंक है, टेंशन क्यों लेता है मुन्ना, आज इन सभी बोरी मुन्ना इनकी बस्तियों को निपटा दूंगा। अब तू देख कमाल, ये लगा निशाना और ये किया धमाका, देख आज इनके पूरे मैं पहाड़ कहीं उड़ा दूंगा, जहाँ पर ये बसते हैं ना इनकी पूरी मुन्ना कॉलोनी कहीं उड़ा दूंगा। ए भैया यार, अब तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार निकले। ओए अभी तो मुन्ना शुरुआत है, अभी आगे आगे देखता जाए, इनके मुन्ना कैसे मैं बस्ती कहीं उड़ा डालूंगा पूरी, देख अभी कितने सारे हैं। हाँ भैया बस मारते रहिए। मैं भी भैया मारू क्या? और ये क्या, ये हमारा टैंक कहाँ फंस गया? ए भैया यार, अपना टैंक तो गड्ढे में फंस गया, अब क्या करें भैया? ऑइट मुन्ना टेंशन मत ले, मेरे पास और भी टैंक है, चल बाहर निकलते हैं। हे भैया बच कर रहिएगा, क्योंकि भैया देखिए कैसे घूम रहे हैं लोग। और जल्दी से टैंक निकाल मुन्ना। हाँ भैया निकालता हूँ। ये भैया निकाल दिया टैंक, और जल्दी से घुस ले अंदर, आप देख इनको मैं कैसे फोड़ता हूँ। और नहीं छोड़ूंगा, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो धमाका। आए बहुत बढ़िया मुन्ना, तूने तो पूरा पहाड़ी उड़ा डाला। अरे भैया इधर भी बहुत सारे हैं, भैया इनको भी नहीं छोड़िएगा? आए नहीं छोड़ूंगा मुन्ना, टेंशन मत ले। आए तू कहाँ आ रहा है मेरे टैंक के पास? हे भैया ये तो हमारे टैंक को ही मार रहे हैं। और ये ले, मैंने इनको ही मार दिया। और देखा ना मुन्ना मेरे टैंक का कमाल। हाँ भैया ये टैंक एकदम ओपी है। और बिल्कुल सही कहा, अगर दोस्तों मेरे टैंक आपको भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक मार देना। ओए नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, ये तो मुन्ना मेरे टैंक के ऊपर ही टूट पड़े। हे यार भैया अब क्या करे? ओए कुछ नहीं करना मुन्ना तुझे, बस ये जो करेगा ये टैंक करेगा। ओए फोड़ डालूंगा, ये ले। भैया यार आपने तो पूरे झुंड को ही निपटा दिया। ओए मुन्ना यही तो होता है मौके का इंतजार करना। ओए कौन मार रहा है? ए भैया यही लोग मार रहे हैं। ओए ये लो, सब जगह भगदड़ मच जाएगी। ओए तू भी ले, और ये ले मेरा गोली का। ओए ये क्या, ये तो पास में आ गया, निशाना ही नहीं लग रहा। ए भैया मैं बाहर जाके मारू क्या? ओए नहीं जाना मुन्ना बाहर, नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं। ओए टैंक के अंदर ही बैठा रहा, हम लोग टैंक के अंदर सेफ है। ओए और इनको टैंक के अंदर रहते रहते ही मारेंगे। ओए देखा मुन्ना पूरी बस्ती उजाड़ दी इनकी। भैया मुझे तो लगता है अब भैया ये गाँव में हमला करने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे। हजार बार क्या, ये लोग सोचेंगे भी नहीं। ओए भैया ठीक कहा, भैया सबको उजाड़ दीजिए। ओए रुक जाओ, ये लो मेरी मार खाओ। ए भैया यार ये लोग तो अभी भी गोते गोते कर रहे हैं। ओए मुन्ना तो इनका गोते होगा ही। ओए दोस्तों वैसे गोते का मतलब क्या होता है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ओए ये लो गोते। ओए मुझे तो यही लगता है मुन्ना, ये लोग जब किसी पर हमला करते हैं या तो इन पर कोई आफत आती है, तब मुन्ना ये गोते गोते बोलते हैं। ओए हाँ भैया मुझे भी यही लगता है। ये लो गोते। ओए बहुत बढ़िया। ओए फोड़ डाल मुन्ना, ये लीजिए भैया फोड़ डालो। ओए हाँ ये हुई ना बात। ओए अभी तो मुन्ना कुछ और बचे हुए हैं, चल ऊपर की ओर चलते हैं और मुन्ना उनको भी उजाड़ डालते हैं। ओए हाँ भैया रुक जाइए, पहले मैं इस पहाड़ को फोड़ता हूँ, क्योंकि भैया जितने भी ये बसे हुए हैं सब भैया इस पहाड़ में ही बसे हुए हैं। ओए रुक जा मैं फोड़ता हूँ, वो रहा सामने, ये ले। ये देख मुन्ना फोड़ डाला। ओए बहुत बढ़िया भैया, देखिए भैया शाम भी होने लगी यार। अरे मुन्ना देखा ना, इनकी पूरी बस्ती को उजाड़ दिया आज मैंने। अरे मुन्ना ये गांव के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और हमारे विलेजर भी कभी मुन्ना गांव छोड़कर जाएंगे नहीं। ओए हाँ भैया सही कहा, भैया सामने जॉम्बी। अरे जॉम्बी को क्या है, इनको भी फोड़ डाले क्या? भैया यार निशाना ही नहीं लग रहा। ओए मुन्ना वो थोड़ा सा दूर होते ना तब देखता मेरा निशाना। ओए चल अभी फिलहाल घर चलते हैं, मैं काफी हद थक चुका हूँ आज तो। हाँ यार भैया सही कहा, आज तो भैया बहुत बड़ी फाइट हुई यार नाका गैंग के मेंबरों से। ओए वही तो, चल मुन्ना अब आज रात आराम करेंगे, और फिर मुन्ना कल सुबह देखेंगे जो होगा, अपने गांव वालों को बता देंगे कि अब मुन्ना वो लोग सेफ है। हाँ भैया अब कल सुबह बताएंगे। भैया इधर एक जॉम्बी है, और मेरे टैंक के पास तो भटक रहा है, चल निकल ले। भैया मुझे तो लगता है अभी इसने इस टैंक का धमाका नहीं देखा। ओए मुन्ने देखने लायक भी नहीं बचेगा। ओए चल मुन्ना अब चलते हैं। ओए हाँ भैया जल्दी से चलते हैं, क्योंकि भैया मुझे भी काफी तेज नींद लगी हुई है, और नींद तो मुझे भी लगी हुई है, लेकिन मुन्ना आज मजा फुल टू आ गया।
हाँ भैया मजा तो आ गया। चलिए भैया। हे भैया यार, यहाँ पर कोई विलेजर को मार रहा है। ओए वो देख, दो जॉम्बी उस विलेजर को मार रहे हैं। भैया मैंने ग्लास तोड़ दिया। ओए रुक जा, मैं इनको तोड़ता हूँ। ओए जॉम्बियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल लो। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। और ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत हो तो बता देना। चल मुन्ना अब चलते हैं। हाँ भैया, अब उनको भी विश्वास हो चुका है कि भैया हम लोग उनकी रक्षा कर सकते हैं। और हाँ, उनकी सेफ्टी हम लोग जरूर कर सकते हैं। और भन्ना आज तो लेकिन मजा ही आ गया। हाँ भैया, धमाका करके मजा आ गया। चले फिर भैया, गुड नाइट। और चल मुन्ना, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, भूख बहुत तेज लगी हुई है। हाँ भैया खा लीजिए। और चल ठीक है, खाना खा लिया। चल मुन्ना, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। तो गाइस यार, हम लोगों ने फाइनली, मैंने और भैया जैक ने मिलकर नागा गैंग का सफाया कर दिया। अब वो दोबारा गांव पर हमला नहीं करेंगे और हमारा गांव भी एकदम सेफ रहेगा। तो गाइस, अब आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो उसको भी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइस, सभी को टाटा बाय बाय, और मेरी तरफ से सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय, गुड बाय।